हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TLU। दिस इज योर बॉय GCS ना साडे प्रीतराज सिंह। एंड टुडे वी आर रिएक्टिंग टू प्रेस, जो बाली का नया गाना है। बाली के लोगों को पता होगा कितना बढ़िया रैपर है, स्पेशली अपने जो स्लैंग्स यूज करते हैं वो उसके दिल्ली लिए वाले, हाँ। एंड जो रेफरेंसेस यूज करते हैं उसके लिए, उनका मतलब पूरा एक गाना है जिसमें वो कहता है कि पूरे मीम से मैं गाना भर दूं वैसे वाला लोग। और सही में लगता है भाई, पूरा मीम जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है उसको अपने सॉन्ग में लाते हैं वो। मतलब जिस तरह से वो ना उसको कवर करते हैं, और साथ ही साथ इनकी स्टाइल बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। हाँ, सारे पॉइंट्स मतलब यार रैप नहीं लगता मेरे को, एक तरह से समझ जो क्या लगता है, कॉमेडी भी काफी अच्छी, कॉमिक एलिमेंट्स बहुत डालते हैं। सो ये प्रेज नया गाना आया है उनका, ऑफिशियल वीडियो आई है, एंड कोहन ने म्यूजिक बनाया इसका। तो यार पहले देखा जाए वीडियो पहले। ये अच्छा लगा ना यार, जिस तरह से फट बॉय क्या राइमिंग करता ना जारा भाई। सबसे बढ़िया मुझे पता क्या लगा था, कि जाके पूछ लो जाके से पिघल के पिघल गया लौंडा, जाके से पूछ लो पिघल गया लौंडा। अबे यार सही में यार बड़ा मस्त भाई, जो राइमिंग स्टाइल है इसका, राइमिंग सेंस बहुत बढ़िया है इसका, सही लग रहा है। लगता ही नहीं तुम प्यार करते हो, फिर पता तो मैं हूँ चालू, मिस्टर बाली के लाड़ की शालू, तेरे समोसे के लिए मैं आलू, रबड़ी फलूदा, मैं तेरा लाडू। सीने में उसके हक हक फटे तू क्या सारे तेरे चक, मेरी गोदी से सर ते रख, हाय हाय तेरी फेंडी, तेरी हाथों की मेहंदी, ओके स्टिक तेरी बिंदी, तेरी एक्शन वाली हिंदी, मेरी बू तू विन्नी, मैं मिक्की तू मिन्नी, भाई तेरा किन्नी ओ सोनी किन्नी किन्नी, हाय हाय तेरी फेंडी, तेरी हाथों की मेहंदी, तेरी लिपस्टिक तेरी बिंदी, तेरी एक्शन वाली हिंदी, मेरी बू तू मिन्नी, हाय हाय। भाई कितना अच्छा, मतलब कोई सोच सकता है ऐसे राइमिंग इतनी अच्छी की, हाँ। गुची तेरा फेंडी, मतलब कोई सोच मिन्नी, हाँ, मिक्की लग रहा था, हाँ, बिल्कुल। तो कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि इनवर्ट्स के साथ भी कोई राइमिंग अच्छा कर सकता। जब ये चीज सुनी थी लिपस्टिक उस्टिक मुझे, हाँ। देसी कलाकार जो अनिल पाजी का गाना नहीं था, कि वो भी बहुत सही लग रहा था, बिल्कुल वैसे लग रहा था, बट वो स्टाइल नहीं था, अपनी स्टाइल आ रही, पर बहुत सही लग रहा था यार। स्टाइल तो हर गाने में बाली की ऐसी अलग ही रहती, यूनिक रहती है, बट मैं कह रहा हूँ कोई रैपर ऐसे सोच नहीं सकता कि इस बार से या इस ये जो वर्स हैं, जो लाइनें हैं, इससे भी कोई रैप बना सकता है। सही बात, बिल्कुल। और ये बाली ही है जो मतलब इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि इस लाइनों के साथ भी वो रैप बनाता है। जैसे 47 हो गया, ये हो गया, ये दोनों ना दिल्ली के सीन को एकदम खतरनाक लेके जा रहे हैं। सही में मजा आ रही है, सही होता है, गाना बड़ा सही है, बहुत सही। अच्छा, जो शोज का रेफरेंस यूज करा, बिल्कुल। मैं चैनल तेरे पास बिंगी नहीं है, और सरसी मेरे पास किंगी नहीं है, तो वो इतने रेफरेंसेस, मॉडर्न डे रेफरेंसेस, बिल्कुल, जो चल रहा है वो सब बारे में बात करना, उसको कॉमिक वे में रैप करना बहुत अच्छी चीज है। अच्छा प्रीतराज, इनका हर किसी को सुन के लगता है अब यार ये तो करना बड़ा आसान है, मतलब ये जो काम करते हैं एफर्टलेस लगता है, एफर्टलेस लगता है। और दूसरी चीज लोग ये भी सोचते ना, क्या सिंपल से वर्ड है, स्टाइल है ना, जो कनेक्ट करते वर्ड्स, मजा आ रही है, कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और लुक भी बहुत सही है यार, हाँ सही में। दिल्ली और बॉम्बे के साउथ से आंखों से करते थी फोर प्ले, तू एचडी नहीं तू 4K, हाय हाय पेंसिल तेरे लिए सारे सीन करूं कैंसिल, हर बार तुझे ही बनाता हो कि बूम बूम शाका लाका वाली पेंसिल, ओ भाई तेरी हाथों की मेहंदी, तेरी लिपस्टिक तेरी बिंदी, तेरी एक्सेंट वाली हिंदी, मेरी बू तू गिन्नी, मैं मिक्की तू मिन्नी, बनू पिग तू गिन्नी, ओ सोनी किन्नी किन्नी किन्नी, तेरी फेंडी तेरी हाथों की मेहंदी, तेरी लिपस्टिक तेरी बिंदी, तेरी एक्सेंट वाली हिंदी, ओके मेरी बिन्नी, मैं मिक्की तू मिन्नी, बनू पिग तेरा गिन्नी, ओ सोनी किन्नी किन्नी किन्नी। अच्छा मजे वाली चीज देख,
हम अभी भी पहली बार सुन रहे हैं, और हमें रट गया, मतलब जो मेन लाइंस है, जो पार्ट है वो काफी रट गया। मतलब देख लो ये होती स्टाइल, ये होता है कि आप कैसे जो है दूसरे के दिमाग में वो कर जाते हो। नॉट लाइक टोनी कक्कर की चॉकलेट है चॉकलेट है, वैसा टाइप का नहीं है, इन्होंने उससे अच्छा करा। जो फ्लो जिस तरह से पेश कर रहा चीज को, वो कैची होना चाहिए और दूसरे को पसंद आना चाहिए, मेन चीज है। हम लोग कितना अच्छे उसके साथ जैम कर रहे, कितना अच्छा लग रहा है, वाइब कर रहे हैं, और हम लोग को लग रहा तो बाकी सबको भी लगेगा, क्योंकि यार पहली बार अगर हमको इतना पसंद आ रहा है तो बाकी जो सुनेंगे और अच्छा लगेगा। यार ये गाना जो है मैं लूप पे सुनने आ रहा, सही बता रहा हूँ। हाय यार सही था यार, बहुत सही लगा मुझे गाना यार, सही लगा, काफी सही। अगर लिरिक्स की बात करो, बहुत मतलब टेक्निकलिटी नहीं डाली रैप करने में, बिल्कुल सिंपल रखा, सिंपल वर्ड सिंपल लिरिक्स, और इनके पुराने भी गाने जाके सुनो, लिरिक्स हमेशा ऐसी रहता है। मैं एक चीज कहता हूँ, रैप में टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं होती है, रैप में एक चीज की जरूरत होती है, वो है आपका फ्लो। वो आपका फ्लो जब तक नहीं होगा, आप जितनी मर्जी टेक्निकलिटीज डाल दो, जितना मर्जी मेटाफर्स डाल दो, जब तक आपका फ्लो नहीं होगा ना, तब तक वो कबाड़ है, जो सीधी बात है, ठीक है। और बाकी मैं इनके बारे में बात करूं, इस टाइप का अगर गाना हो जाए तो इस टाइप का फ्लो हर किसी की बस की बात नहीं है। अब जो कृष्णा करता है वो अलग चीज है, जो ये करते हैं वो अलग चीज है ना, वो दूसरे कॉपी नहीं करते, दूसरे कॉपी नहीं करते। तो हर किसी अपना जब स्टाइल रखते हैं ना, वो अच्छी चीज होती है, उसी से जो है रिकग्नाइज होता है बंदा, है कि नहीं, यूनिकनेस एक होनी चाहिए। हाँ, यूनिकनेस होनी चाहिए। फ्लो, ये ऐसे लिरिक्स को फ्लो में लाना ये भी काफी मुश्किल, मतलब हाँ बहुत कॉमिक एलिमेंट्स डालना रैप में, हाँ काफी मुश्किल। अच्छा आप जब यार सुनोगे ना, तो आप ये नहीं कह सकते यार ये मैंने कहीं सुना सुना लग रहा है, ये मैंने पहले कहीं, स्टाइल अलग है, स्टाइल स्टाइल अलग है। मुझे ऐसे गाने ना सुनने में अच्छे लगते हैं यार, वरना तो आजकल के गाने सुनना, बहुत से गाने होंगे यार भाई ये गाना सुन रहा है उसकी तरह लग रहा है, इसकी तरह लग रहा है, इसका ऐसा नहीं लगता। अब इनका जो गाना आया था जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा, सुन रहा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करी, ठीक है। अब आज देखो 11 महीने क्रॉस कर चुके, हाँ धीरे धीरे हुई, बट पॉपुलैरिटी ऐसी हुई कि कितना नाम हो गया, कितना नाम हो गया, जैसे बिल्कुल। तो ये नई चीज आ रहा है, जबकि पहली बार किसी ने सुना होगा ना, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को लगा होगा यार कैसा गाना, नहीं पसंद आया होगा, बिल्कुल। बट इवेंचुअली थोड़ा उसका थोड़ा थोड़ा सुन सुन के वो ग्रैप्स करा बंद होना कि ये बंदा ऐसे ही करता है, सही बात। गाना भी था सुनना सुनना, कितनी बार सुन चुके यार, तब भी बोर नहीं होते। आप लोग भी बताइएगा कौन सा फेवरेट गाना है बाली का, हाँ जी, एंड उस पर भी अगर आप चाहो तो हम रिएक्ट करेंगे। और बाकी हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है TLU का, तो उस पर डेली म्यूजिक अपडेट्स आते हैं, जो भी उससे रिलेटेड हो हमेशा उस पर आते रहते हैं, तो प्लीज जाके उसको भी चेकआउट करो, फॉलो करो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बाली के फैंस जरूर इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले यार कितने आर्टिस्ट, कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया में। एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।